नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए हैं। किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए हैं। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? तो वही कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को और तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। तो वही 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। और वही किसान नेताओं ने कहा है कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होगा, सरकार के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। हम लोगों को बिठाया, एक बस भी खड़ी थी, किसी में हमारे 3 साथी बैठ गए, किसी में 2 बैठ गए। जो लेने आए थे उनसे मैं बहुत देर तक पूछता रहा कि हमको ले कहां जा रहे हो, बंगले ले जा रहे हो, मंत्रालय ले जा रहे हो, कई सर बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, और वो हमको बताए नहीं। और वो जो ले जाने वाले थे तो किसी को ले गए कैनॉट प्लेस से घुमाते हुए, किसी को कहीं और से घुमाते हुए, तो हम आपस में भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। हमारे 3 साथी 1 घंटे बाद पहुंचे, क्योंकि वो घूमते ही रहे पता नहीं कहाँ। उनको वो हर गाड़ी में पुलिस की गाड़ी थी, तो ये थोड़ा सा हम 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे, 3 साथी हमारे आ पाए 9 बजे। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घिराव करेंगे, उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घिराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको, हाँ 14, उसी दिन घिराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शन पाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। तो वही किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि बिहार, तेलंगाना, राजस्थान और अरुणाचल में बीजेपी को जीत मिली है। ये ऐसी स्थिति में जीत मिली है जब कोविड और उसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है और कृषि सुधारों पर विपक्ष का कुप्रचार है। इसके बावजूद भी लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है, क्योंकि जनता तरक्की देखना चाहती है और उन्हें विश्वास है कि तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी। ऐसे में किसानों के हित में नए कृषि कानून हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। 40 साल से मैं किसान आंदोलन का एक अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूँ, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किसानों ने अमित शाह का प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मोदी सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधा। कोई देखिए कोई उसका निष्कर्ष तो निकला नहीं, ऐसा लोग समझ रहे थे कि अमित शाह को प्रधानमंत्री ने जब इस काम में लगाया है तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई ठोस प्रपोजल सरकार की तरफ से आएगा जिससे किसान संतुष्ट होंगे और जो लगातार संघर्ष चल रहा है या आंदोलन चल रहा है उसमें कमी आएगी। लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आया है उससे बड़ी नाउम्मीदी हुई है लोगों को, और लोगों को ऐसा लगा है कि सिर्फ सरकार टालने का काम कर रही है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को प्रस्ताव भेजने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें केंद्रीय नेताओं को शामिल किया गया और उसमें सलाह मशवरा किया गया। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना पर फैसला लिया गया है, साथ ही लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां भी 4G देने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और सही में ऐतिहासिक फैसले हुए। एक टेलीकॉम का है, एक लेबर का है, लेकिन देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर्स खोलने का एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है जिसकी जानकारी रविशंकर जी देंगे। लक्षद्वीप पे और 11 जो वहाँ द्वीप है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केबल द्वारा मिलने की जैसे अंडमान में मिली है। मोदी सरकार ने डिजिटल भारत को और मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मोदी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने पब्लिक वाईफाई लॉन्च करने का फैसला लिया है। ये वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा जिसका नाम PM वाणी यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। यह 3-tier सिस्टम है। इससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। कैबिनेट बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने दी है। मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप में तीव्र गति वाले ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए के फंड को ले रोके जाने के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी नेताओं के साथ निगम के कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि MCD के 13,000 करोड़ का बकाया केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है। फंड नहीं मिलने की वजह से MCD के कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली सरकार MCD का 13,000 करोड़ रुपए के रिलीज करे, यहां महिलाएं कर्मचारी भी बैठी हुई हैं। CM अरविंद केजरीवाल के पास इनसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी प्रतिनिधि से मिलने की बात नहीं की, ना उनका कोई संदेश आया। ये इतनी असंवेदनशीलता दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ये कहते हो कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लोगों की दर्द सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं।
अगर हम ये कहें निगम पार्षद भी नहीं तो एक नागरिक के तौर पर भी उनको बात सुननी चाहिए। उनके घर के दरवाजे पर हम लोग बैठे हैं, कोई टेंट नहीं लगाया है। दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था हो या पब्लिक हेल्थ की बात हो, उसके लिए काम करते हैं। और इस तरह दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं देना, दिल्ली सरकार जहां एक तरफ वो अपने प्रचार के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो जल बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में लोन दे देते हैं, लेकिन निगम को पैसा नहीं, निगम को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं देते। अरविंद केजरीवाल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि निगम के कर्मचारियों का वेतन देना है, निगम के पदाधिकारियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, सबको वेतन देना है। और जो पांचवें वित्त आयोग के आधार पे जो पैसा एमसीडी को, लोकल बॉडीज को दिल्ली में देना है, उस पर कुंडली मार के, फन मार के, फन काढ़ के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। और उनके दरवाजे पे ये तमाम हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, पार्षदगण, महिलाएं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रहे, वो यहीं से निकल के जाते हैं। तो बता दें आपको कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का 73वां जन्मदिन है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं से बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपना जन्मदिन नहीं मना रही हैं। और वहीं बड़ौदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। मकसद गरीबों की वेदनाओं को समझना, उनकी दुख और तकलीफ के अंदर कांग्रेस पार्टी का सदस्य, कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता और प्रमुख उनके बीच में जाए, उनकी वेदनाओं को समझे, उनकी तकलीफों को समझे और उनकी तकलीफ के बदले में क्या लड़ाई लड़ना है, किस तरह से प्रशासन के सामने जाना है और प्रशासन के पास में जो दादागिरी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, उनके सामने लड़कर इनका हक इनके तक कैसे पहुँचाना है, उस उद्देश्य से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय आदरणीय सोनिया जी का जन्मदिन है, जो कहते हैं त्याग तपस्या की बलिदान की। वो कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, ना ही अपना आंदोलन वापस लेंगे। ऐसे इसलिए कि अब कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन किसानों के मान सम्मान का मुद्दा हो गया है। और रणनीति बनाएंगे, अभी अंदर बैठ के बनेंगे। तो आपकी मीटिंग में क्या एजेंडा है, आपकी मीटिंग का? वो उनका जो प्रपोजल आएगा उस पर चर्चा करेंगे। अब तक तो सारी डिस्कशंस इनकंक्लूसिव रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? अब क्या होगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हट धर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। क्यों करे अमेंडमेंट, किसी हकीम ने बताया था उन्होंने ये बिल लेकर आएंगे और किसान साहब पूछोगे नहीं करेंगे अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। हरियाणा के अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर बीजेपी ने हवन यज्ञ कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया, साथ ही नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारा अंबाड़ा निगम चुनाव जो होगा उसकी तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर विधिवत रूप से हुआ है। अब आगामी जो पार्टी के नाते जो हमारी गतिविधियाँ चलेंगी वो इस कार्यालय से चलेंगी, और जब वार्डों के हम उम्मीदवार घोषित करेंगे तब वार्ड अनुसार उम्मीदवारों के जो कार्यालय होंगे
वहां से उनकी गतिविधियां चलेंगी, यहां से जो पार्टी की गतिविधियां हैं हम लोग। भवानीखेड़ा क्षेत्र के कुंगड़पुर सिवाड़ा मुख्य मार्ग पर बने जगह जानलेवा गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। यह मार्ग सोरखी नेशनल हाईवे 9 को जोड़ता है, लेकिन इस मार्ग में बने जगह जगह खतरनाक गड्ढों से वाहन चालक और राहगीर इससे परेशान हैं। विभाग की ओर से इस मार्ग का मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन वह लीपापोती ही नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि मार्ग की मरम्मत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाई बहुत खराब है भाई, भाई रोज रही है का दी बउराव है टाकी टुकी दिखा दे, टाकी भी को लांदे हूं दिखा के थोड़ा उतरे सगेर के बाद जावा भाई, रोज इतने खड्डे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जावा रोज, मोटरसाइकिल भी पलट जावा है, कई भाई ट्राले बिरकी में भी लगड़न कानू ला रहे, रास्ता तो बिल्कुल है एक जमा भी ब्रैन मैटी हो रही है भाई, किसी की टांग टूटे किसी की बाँह टूटन लग रही है भाई, छाती छाती जमा इतने गड्ढे बने हुए हैं अपने यहाँ इस तपुरियाँ तो लेकर बुआनी खेड़ा और फिर नुना जमालपुर बिल्कुल जमानु ब्रैन माटी हो रही है, बुआनी खेड़ा हल्का है ही नहीं भाई, ये जमा फुटा पड़ा है, इसकी कोई संभाल को नहीं और बिल्कुल सारम खड्डे हो रहे हैं और मोटरसाइकिल वाला ना रोड बहुत घनी दिक्कत हो रही है और इस रोड की कोई संभाल को नहीं भाई, भाई दो दो फुट ढाई ढाई फुट तक गड्ढे हो रहे हैं और इसका कोई हाल नहीं समाधान होता। बिजली विभाग ने आधार अधिनियम 2016 के तहत बिजली कनेक्शनों में बदलाव करते हुए अब आधार कार्ड का लिंक अनिवार्य कर दिया है। बिजली सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड अपने बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा, जिसके बाद ही बिजली उपभोक्ता अब बिजली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने अपना वेबसाइट लिंक भी जारी कर दिया है। को सरकारी सब्सिडी पाने के लिए निगम ने आधार नंबर लिंक करवाना अपने बिजली के बिल में आधार नंबर लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए मेरी सभी बिजली उपभोक्ताओं कार्यालय में आकर अपनी हार्ड कॉपी आधार कॉपी की हार्ड कॉपी देकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिजली कर्मचारी जो फील्ड में हैं उनके द्वारा अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। ये अभी तारीख तो नहीं दी गई है, लेकिन अभी हमें आदेश प्राप्त हुए हैं कि सभी उपभोक्ताओं के आधार नंबर बिजली अकाउंट नंबर के साथ लिंक करवाओ। हाँ, जाहिर सी बात है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आधार नंबर से लिंक होने के बाद डायरेक्ट उनके बिजली के बिल में। देहरादून में बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 27 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी महमुहर लगाई है, जबकि एक विषय को अगली बैठक के लिए रखा गया है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रेजेंटेशन किया गया, साथ ही निर्णय लिया गया कि वैक्सीन कुल पहले चरण में 20% लोगों को दिया जाएगा और इसके अलावा उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निगम और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली में संशोधन किया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक में दून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में 44 पदों की सुपर स्पेशलिटी की स्वीकृति भी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस बैठक को शुरू करने से पहले दिवंगत अनुसुईया प्रसाद मेखुरी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक थे कर्णप्रयाग क्षेत्र के और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे उत्तराखंड में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उससे अलग आज कोविड की वैक्सीन को लेकर जो भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उसका बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए वैक्सीन को किस प्रकार से जो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को जानी, लगभग 20% लोगों को उत्तराखंड में उसको लगाई जानी है। उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या इस प्रकार की पूरी कैलकुलेशन की कैसे कैसे रखे जाएंगे, नीचे तक की हमने सारी कमेटियों का गठन जो किया है उस पर भी एक विस्तृत रूप से जानकारी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।